नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि डीए में बढ़ोतरी के बाद क्या अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी यह बड़ी सौगात, तो जानिए डिटेल्स। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाकर 34% करने के बाद अब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के पेमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। इस संबंध में जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियन लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रही हैं। अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है तो केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन मिल रहा है, जिसे 3.68% करने पर कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। सातवीं CPC के अनुसार अभी अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो बत्तों को छोड़कर उसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये मिल रहे हैं। अब फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो जाएगा तो वही सैलरी 95,680 हो जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संसदों के 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी थी, जिसके तहत प्रवेश सत्र के कर्मचारियों को मूल वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था, जबकि उच्चतम सत्र यानी सचिव आदि के लिए 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2,50,000 रुपये कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।